पता नहीं कैसे ही नहाएंगे, क्या पहना लगाएंगे? बिल्कुल मम्मी डुबे, इतनी भी ज्यादा भीड़ नहीं है पर बहुत भीड़ है, इतनी ठंड में कैसे ना होगी मामी। एक बार आते हैं और कार से उतरे कि बारिश शुरू है। बोलो गंगा मैया की जय। गंगा मैया की जय। कहाँ जा रहे हैं हम सभी मामी, बताएंगे जल्दी बताओ। हम सब जा रहे हैं हरिद्वार कुंभ नहाने और सुबह के 4 बज रहे हैं और हम सब निकल चुके हैं और हमारे बच्चे भी पूरे एक्साइटेड है एकदम। अचानक ये प्रोग्राम रात को ही बना और सुबह हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, थोड़ी देर में करीब 4 घंटे के आसपास हम लोग हरिद्वार पहुँच जाएंगे। बिल्कुल। और फिर वहाँ नहाएंगे आराम से। बच्चे एक्साइटेड हैं? यस। नहीं नहीं यही है, वो हाईवे था ना। सभी पहुंच चुके हैं हरिद्वार। बोलो गंगा मैया की जय। बस अब हर की पैड़ी में पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। बिल्कुल। और फिर स्नान करेंगे। हाँ जी। पानी तो बहुत साफ है माँ। गौरव भैया, ओ वाह यार, पानी कितना साफ है। ये गंदा है? नहीं गंदा नहीं है, बिल्कुल साफ है। अमेजिंग, आज ब्लू है पानी। नहीं है, कोरोना की वजह से गवर्नमेंट कुंभ का कोई प्रचार नहीं कर रही है, इसलिए रश नहीं है। और गवर्नमेंट ने ये बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, हालांकि वो क्योंकि कुंभ तो 14th ऑफ जनवरी से शुरू हो गया था और 27th ऑफ अप्रैल तक चलेगा, लेकिन ऑफिशियल डेट्स जो आई हैं कुंभ की वो 1st ऑफ अप्रैल से है। Okay. तो इसलिए लोगों को लग रहा है कि कुंभ स्टार्ट ही 1st अप्रैल से हुआ है, लेकिन असल में वो 14 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, इसलिए यहाँ पे रश नहीं है। हाँ, जहाँ भीड़ नहीं होगी वही जाएंगे। घर की पैड़ी बेटा। ओके ओके। अमृत वहीं गिरा था। किस किस ने लिया है अमृत? वैदिक ध्वनि। ओम नमः शिवाय। तो यहाँ हम सभी पहुँच चुके। अरे भैया भाई लोगों, हेलो हेलो, चले नहाने चले। आज मौसम बहुत ठंडा है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत धूप उगेगी, लेकिन बहुत ठंडा मौसम है। बारिश में भी आगे बढ़ते हुए है ना। बिल्कुल। और इतनी ठंड में कैसे ना होगी मामी, पता नहीं। गंगा मैया संभाल लेंगी। और हमेशा ऐसा होता है कि हम हरिद्वार आते हैं और कार से उतरे कि बारिश शुरू हो जाती है, और आज भी यही हुआ है। थोड़ी देर तो हम ऐसे ही यहाँ पे कहीं रुके, बट अभी थोड़ी हल्की हो गई है तो चलते। माना हुआ था मामा जी ने कि इन दोनों को यहीं हरिद्वार लेके आएंगे और इनकी लटे कटवाएंगे, गंगा जी से माना हुआ था। और अब यहाँ पे केशु का हो रहा है और बहुत तेज हवा चल रही है, पता नहीं कैसे ही नहाएंगे और डुबकी कैसे लगाएंगे। क्या बिना डुबकी के काम नहीं चल सकता? नहीं, डुबकी लगाओगे? Yes. क्या बिना डुबकी लगाएंगे? ये है असली कुंभ। वैसे इतनी भी ज्यादा भीड़ नहीं है पर बहुत भीड़ है। मॉम इलाहाबाद में इतनी थी? नहीं, बहुत थी। बहुत थी, कम है, पर ये फिर भी बहुत ज्यादा है। सबसे पहले बच्चों की बारी। केशव मम्मी
मम्मी रोई नहीं तीन मम्मी क्या बात तीन हुआ बस चार पाँच ओ भाई क्या हुआ बाबा जी कितना ठंडा था तीन पहला नहीं हुआ था तीन है चार ये कितनी गंदी बात है प्लीज ये सब ना करें नहीं ना अब जा रही हूँ और जा रही है मामी और हम सभी लगने वाली है पाल लेना बचा लेना तो बच्चे मेरे वापस आना चलो चलते चलो बस रहा था इरादा देखिए इन इनको कुंभ में मस्ती अब ये मामा ठाकुर निकलने नहीं वाले छोड़ के गए तू भी जा जाओ जाओ यहाँ पर बहुत ही अच्छा और हम आए थे तो बारिश हो गई थी मगर अब खिलखिलाती हुई धूप है बहुत ही अच्छा धूप है और यहाँ पर झाजी को देखिए फोटो सेशन कर रहे हैं ऑलवेज ये ऑन रहते हैं ओए 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 जय हो गंगा मैया की जय कैसा लगा नहा के बहुत बर्फ है चलो बहुत ठंड का अनुभव किया बहुत ठंडा है बहुत ज्यादा तीन डुबकी लगाई तीन डुबकी पापा जी ने एक ही लगाई मैंने तीन मैंने एक ही लगाई अब मम्मी ने पांच पांच हमारी हमारी अर्धांगनी ने और गोलू ने ग्यारह बोलो गंगा मैया की हम सभी हो चुके हैं रेडी कैसी लग रही हूँ मैं आपसे भी जरूर बताएं वैसे अच्छी लगी मम्मी भी तैयार हो चुकी है और आज फिर से येलो येलो मैचिंग और मम्मी और मेरा सूट भी मैं भी हूँ बोलो गंगा मैया की जय हर हर गंगे तब सभी हम जा रहे हैं फिर से जहाँ कार पार्किंग में लगाई है और इसके बाद देखते हैं कि अब आगे नेक्स्ट कहाँ जा रहे हैं फिलहाल तो अभी मॉम कहाँ जाएंगे नेक्स्ट कहीं जाएंगे या फिर सीधा घर भोजनालय भोजनालय बिल्कुल आ रहे हैं ये मामा और मामी लेट लतीफ आते हुए चुके हैं पार्किंग में और हम चलते हैं अब ऋषिकेश बिल्कुल हल्का फुल्का तो नाश्ता कर लिया है मगर कुछ हुआ नहीं है कुछ हुआ नहीं है बच्चों की सेटिस्फेक्शन के लिए चलते पर कुछ खा लेना चाहिए हमें रास्ते में अच्छी जगह यहाँ पर कुछ इतना अच्छा है नहीं अभी या तो हमें सिटी जाना पड़ता तो सिटी हम गए नहीं हम ऋषिकेश निकल रहे हैं और मौसम यहाँ बहुत अच्छा है बिल्कुल धूप नहीं है बादल है और बहुत ठंड है पर देख लीजिए आप सभी
मौसम बहुत और नहाने के बाद साक्षी ठंड बिल्कुल नहीं लग रही है बिल्कुल। और ये पहाड़ चले चलो